hi good morning students in my previous lecture on cpc we had reached the summary procedure we saw that order 37 which deals with summary procedure of suits now this is a aberration in the sense that here we are not even asking the defendant to come and defend straight away after seeing the plaint of the plaintiff what we say, the plaint speaks for itself. And there is hardly any ground for the defendant to negate. And that is the reason why the court can straight away pass a judgment. But then, as I said, no party should be condemned without heard is the basic jurisprudence principle of natural justice. That is why we find that we do need. To allow the defendant to defend himself, there should be certain reasons. As a general rule, we must follow the basic principles of natural justice. But then, if there is an iota of doubt that the defendant does have a case, then in these matters, the court must grant leave to the defendant to defend his case. सारा जो मुद्दा है वो ये है कि डिफेंडेंट को अलाउ करें या ना करें क्योंकि अगर हम अलाउ करते हैं तो फिर ये समरी सूट नहीं रहेगा एक बार लीव मिल गई फिर डिफेंडेंट अपना डब्ल्यू एस डालेगा और फिर एक ऑर्डिनरी सूट की तरह चलेगा सो वेदर वी कैन कन्वर्ट इट फ्रॉम summary सूट टू दिस Now दैट इज वॉट द court's प्रेरोगेटिव इज

डिफेंडेंट है राइट टू लीव टू डिफेंड हिस् केस इफ सो अंडर वॉट कंडीशन क्रिटिकल एग्जामिन ये क्वेश्चन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं समरी सूट पे लीव वाला इसके अंदर मैंने पिछली बार आपको बताया था कि पांच तरह की हैं जहां पर हम लीव अनकंडीशनल भी दे सकते हैं विद कंडीशन भी दे सकते हैं और यहां फिर बिल्कुल मना कर सकते हैं तीनों चीजें इसके ऊपर हमारे पास दो तीन जजमेंट्स हैं जो बिल्कुल लैंडमार्क हैं एंड वी मस्ट राइट दोस जजमेंट्स इन डिटेल आई गेस आई आई शुड डिक्टेट इट बिकॉज़ दिस इज वन क्वेश्चन आई एम एक्सपेक्टिंग इन एग्जाम्स यू बिकॉज़ टुमारो व्हेन यू बिकम जजेस दैट इज अ टाइम व्हेन वी फाइंड दैट यू नीड टू अप्लाई दिस इन रियल लाइफ

leave ke whether leave has to be granted or not if yes kaisi leave hogi let's quickly write down i'll dictate the crux of various judgments on order 37 has been summarized in sunil enterprises versus sbi commercial and international bank limited the summary can be written in the following points. Firstly, if the defendant satisfies the court that he has a good defense to the claim on merits, underline the word merits, the defendant is entitled to unconditional leave to defend, unconditional co. इन्वर्टेड कॉमर्स में या हाईलाइट कर दो सेकंड इफ द डिफेंडेंट रेजेज अ ट्रायबल इशू इंडिकेटिंग दैट ही इज अ फेयर और बोना फाइडी और रीजनेबल डिफेंस दो नॉट अ आउटस्टैंडिंग और अ वेरी गुड डिफेंस स्टिल इन द इंटरेस्ट ऑफ नेचुरल जस्टिस द डिफेंडेंट इज एंटाइटल्ड अनकंडिशनल टू डिफेंड ये दो है हमारी अनकंडीशनल लीव जहां हम डिफेंडेंट को हर हालत में डिफेंड का डिफेंड करने का राइट देंगे सी इफ द डिफेंडेंट डिस्कलोजेज सच फैक्ट एज मे बी डीम्ड सफिशियंट टू एंटाइटल फॉर एग्जाम्पल हिज एफिडेविट डिस्कलोजिस

और वो एफिडेविट भी दे रहा है कि टाइम ऑफ द ट्रायल पे मैं एस्टेब्लिश कर दूंगा डिफेंस है प्लेंटिफ के क्लेम के खिलाफ ऐसे मामले में उसको हम अनकंडीशनल लीव नहीं अब कंडीशनल लीव देंगे पर जो कंडीशनल लीव है वो नॉट बाय पेमेंट ऑफ पेमेंट ऑफ सिक्योरिटी इन द कोर्ट तो कोई भी हम कंडीशनल लीव देंगे बट ये नहीं कि हम कहेंगे कि जी पहले पैसे पूरा जमा कराओ वो अलग है चौथा इफ द डिफेंडेंट हैज नो डिफेंस और इफ द डिफेंस इज अ शैम और प्रैक्टिकली मून शाइन द डिफेंडेंट इज नॉट एंटाइटल टू लीव टू डिफेंड। जहां बिल्कुल कुछ भी नहीं है शैम है मूनशाइन है वहां पे नो लीव टू डिफेंड लास्ट पॉइंट इफ द डिफेंडेंट हैज नो डिफेंस और इफ द डिफेंस इज अ मून शाइन और इट इज अ शैम एंड द कोर्ट वॉन्ट्स टू शो मर्सी टू द डिफेंडेंट देन The court can show mercy to the defendant by enabling him to try and work out a defense. But then it has to protect the plaintiff also. So, to protect the plaintiff, the court shall now impose a condition that the amount claimed by the plaintiff. should be first deposited in the court before leave to defend is being given. ये पांच बहुत beautifully summed up ways है दो जगह तो unconditional leave है जहां clear defense है या जहां reasonable defense है जहां बहुत strong defense नहीं है पर लगता है थोड़ा बहुत है iota है

clear about this landmark judgment and all the aspects laid down by this judgment also there's another judgment southern sales and services versus sour milk design s-a-e-u-e-r-m-i-l-c-h southern sales and services limited sour milk design and handles h-a-n-d-e-l-s इसमें एक चीज बताई गई अनकंडीशनल लीव टू डिफेंड सूट शैल नॉट बी ग्रांटेड अनलेस द अमाउंट एज एडमिटेड टू बी ड्यू बाय द डिफेंडेंट इज डिपोजिटेड इन द कोर्ट सेकेंड पॉइंट ये आ जाता है कि सपोज डिफेंडेंट कहता है जी मेरा इतना पैसा नहीं है इतना पैसा बनता है तो जितना वो एडमिट कर रहा है उतना पैसा पहले जमा कराए तब आगे बढ़ सकता है We then have another important judgment, Nibha Kapoor, N W -E B H A Nibha Kapoor versus Jayanti Lal, Jayanti Lal, J-A-Y-A-N-T-I-L-A-L, -L, Jayanti Lal Khandelwal, 2008 Supreme Court. In this judgment, the Honorable Supreme Court held that the underlying public policy behind Order 37... Is expeditious disposal of suits of commercial nature. It provides for such disposal as expeditiously as possible by prescribing a time frame. The idea behind a summary suit, I'm quoting Niba Kapoor, the idea behind a summary suit. Is speedy recovery, speedy remedy. I'm sorry, speedy remedy. But one must not forget, justice harried is justice buried. Justice hurried, H U R R I A D, justice hurried is justice buried. A grant of leave to defend, no doubt, delays the trial. But it will be a Traversity of Justice where a Plaintiff on basis of some photocopied documents reproducing only the relevant extracts and without any evidence and without any cross-examination gets a decree solely on the basis that he has been able to make a prima facie case that too before a trial court. A few years of a trial is better than a scenario where a decree has been passed without giving proper opportunity to defendant. Audi alteram partum is one of the basic features of our constitution, and a fair hearing should be given to all concerned. If the case of the plaintiff is genuine, in any case, he will be entitled to costs and interests. So, even if there is a delay, he shall get compensation by costs. Hence, no prejudice is caused to the plaintiff, as it is only a matter of time. That he gets a decree in his favor along with the requisite costs and interests. Sometimes, even for a bona fide de defendant, it may become a horrifying experience to get even a conditional leave to defend granted to him. the defendant hence is only required to show that a fair or a bona fide or reasonable defense though not a wonderful defense exists hence even if prima facie it appears that there is merits in the defense of the defendant Leave should be granted to the defendant. So, when should Order 37 CPC be used? Order 37 is best suited for cases in which a defendant does not have a case at all and the suit is prolonged for years. Also, in cases in which loans are taken from the banks and borrowers disappear without any trace, Order 37 comes in very useful and handy. Order 37 is useful as on the basis of loan documents. It is easier to get a decree from court within a short time. And all that is left to the bank is to find the defendant and execute the decree against him. In fact, most borrowers who are otherwise not scared of recovery agents are scared of orders, decrees, and reprimands by the courts. ये सारे सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स के एक्सकर्प्स थे अगर समरी प्रोसीजर पे आपको 15 या 20 नंबर का क्वेश्चन आ जाए जैसे मैंने अभी आपको डिक्टेट कराया, है इसको डिटेल में लिख के पॉइंट्स में लिख के उसको करना है आई होप एवरीबॉडी इज क्लियर ऑन दीस एस्पेक्ट्स नाउ दैट वी आर क्लियर विद द ज्यूरिसप्रूडेंस एंड द Um, and the and the interpretations and other aspects given by the Honorable Supreme Court. We now go on to Order Thirty Seven per se. Order Thirty Seven. Summary procedure. Rule One. Rule One is important from prelims point of view. रूल वन सब रूल वन दिस ऑर्डर शैल अप्लाई टू द फॉलोइंग कोर्ट्स नेमली ए हाई Courts, सिटी सिविल Courts, एंड Courts ऑफ स्मॉल कॉजेस ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि क्या समरी प्रोसीजर हाई कोर्ट फॉलो कर सकता है क्या कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजे फॉलो कर सकता है प्रिलिम्स का क्वेश्चन है ध्यान रखना बी अदर कोर्ट्स तो सारे हाई कोर्ट, सिविल कोर्ट कॉजेस स्मॉल कॉजे कोर्ट और बी अदर कोर्ट अदर कोर्ट के साथ हमने प्रोवाइजो पढ़ना है प्रोवाइडेड दैट इन रिस्पेक्ट ऑफ द कोर्ट रेफर टू इन क्लॉज बी द हाई कोर्ट मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट रिस्ट्रिक्ट द ऑपरेशन ऑफ दिस ऑर्डर only to such categories of suits as it deems proper. तो बाकी जो courts हैं, उनको सिर्फ power summary procedure की तब आएगी अगर High Court ने notify किया है official gazette में कि ऐसी इन categories of suits को ये other courts summary तरीके से try कर सकते हैं. तो this The powers of other courts will be totally dependent on the approval by the high courts. Wo bhi kaun se suits wo try kar sakte and may also, from time to time, as the circumstances of the case may require, by subsequent notification in the official gazette, further restrict, enlarge, or vary the categories of suits to be brought. अंडर ऑपरेशन ऑफ दिस ऑर्डर एज इट डीम्स प्रॉपर अब अगर उनको कुछ बढ़ाना है कुछ खत्म करना है चेंज करनी है पावर्स तो हाई कोर्ट ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन के साथ ही कर सकता है सो आई होप आई एम क्लियर ऑन दिस दैट ऑल कोर्ट्स हैव द पावर ऑल सिविल कोर्ट्स सिटी सिविल कोर्ट्स कोर्ट्स ऑफ स्मॉल एन हाई कोर्ट अदर के लिए वही केसेस जो हाई कोर्ट अब प्रिस्क्राइब कर रहा है ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन करके और उनको कौन से कौन से क्लासेस ऑफ केसेस हैं और अगर उनका चेंज करना है वेरी करना है रिस्ट्रिक्ट करना है तो फिर वो ऑफिशियल गैजेट में इटव चेंजेसूल टू सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सब रूल वन ऑर्डर टू द फॉलोइंग क्लासेज ऑफ केसेज सूट ली अब ये क्वेश्चन भी आपका मेन्स का है पांच नंबर का suits, कौन से पे चलेंगे वॉट विल बी दब्जेक्ट मैटर ऑफ समरी सूट्स और विथ सूट्स कैन फॉलो द समरी प्रोसीजर एक तो मैंने आपको बैंक लोन्स का भी बताया था नीबा कपूर का जो मैंने लिखवाया है वो भी कोट करना है आपको बट हमारे पास बेयर एक्ट में दिया गया है इन ऑर्डर इस ऑर्डर में दिया गया है कि कौन से कौन से मैटर्स आएंगे अंडर समरी सूट्स लेट्स सी द ऑर्डर अप्लाइज टू द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ सूट्स नेमली ए सूट्स अपॉन बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट्स तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज हु प्रोमिसरी नोट्स ये तीनों वर्ड आपके डिफाइंड है नेगोशियबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में बिल ऑफ एक्सचेंज एक बिल है एक कागज है एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे मैं आपको एक राइट देता हूं कोई प्रॉपर्टी कोई पैसा लेने का इमीजिएट बिल ऑफ एक्सचेंज की एक स्पीशी होती है चेक चेक इज ऑल्सो डिफाइंड इन द

अब इंटरव्यू में तो आप मना नहीं कर सकते ना कि सर हमारा तो एनआई एक्ट इज नॉट इन आवर सिलेबस सो यू मस्ट नो एटलीस्ट बेसिक्स उसके ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है दस so, we'll so, एक सेक्शन इंपॉर्टेंट है सो नथिंग मस्ट टू वरी विल डू दैट सो सूट्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज हुडीज हुडीज बेसिकली हमारे एक यूजेजेस हैं कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन के हुडीज जो हैं वो हमारे खासकर बिजनेस वर्ल्ड में कॉमर्शियल में यू नो कॉमर्शियल हमारे यूज में चेक नहीं चलते हैं चलती हैं क्या होता है कि जैसे मैंने आपको आज आप आपने मेरे, हमारा आपस में बिजनेस चलता है आपने आज मेरे को सौ सौ चीजें को ये एक चीज भेजी सपोज आपने सौ टेबल मुझे बेचे मैंने आपको पैसे दे दिए सपोज मैंने आपको एक लाख रुपए दे दिया एक लाख दस हजार देना था मैंने एक लाख रुपए दे दिया मैं भी आपको कुछ रॉ मटेरियल भेजता हूं मैंने आपको भेजा आपने मुझे वापस नब्बे हजार देना था तो अब क्या हुआ एक लाख की हुंडी आपके पास गई नब्बे हजार की हुंडी मेरे पास आ गई फिर कल को हमारा जो ऐसे ट्रांजेक्शन चलते रहेंगे हम टोटल हुडीज आपस में इतने इतना करते रहेंगे एंड में हम बैठेंगे हफ्ते में या जब भी और आपस अपनी अपनी हुडीज एक्सचेंज कर लेंगे जितना सम टोटल जिसका ड्यू होता है वो उसको उतना दे देता है

और प्रमिशरी नोट्स। बी सूट्स इन विच द ओनली टू रिकवर अ डेट। तो जो डेट है जो लिख लिखा हुआ है फ, 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 फाइनल है और लिक्विडेटेड डिमांड या फिर लिक्विडेटेड डिमांड इन मनी है पेबल बाय द डिफेंडेंट विद और विदाउट इंटरेस्ट अराइजिंग तो दूसरा है कोई अगर डेट है जो लिखा हुआ, हुआ है जो क्लियर है या कोई अगर लिक्विडेटेड डिमांड है पैसे में विद और विदाउट इंटरेस्ट जो कहां से निकला है जो डेट कहां से बना है ए रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट है ताकि क्लियर है कल को ये ना वो बोले कि नहीं जी पहले ये ये डिटरमिन करो कि कॉन्ट्रैक्ट था या नहीं रिटर्न है बी ऑन एन इनैक्टमेंट वेयर द रिकवर्ड इज अ फिक्स सम ऑफ मनी यहां कोई ऐसा इनैक्टमेंट है जहां जो पैसा है वो फिक्स होता है कि जी इतना पैसा मिलेगा

उसने आगे दे दिया है अपने मैंने अपने पूरे के पूरे राइट एक साइनी को दे दिए अब वो सूट डाल रहा है डेट का तो से ये सारी चीजें क्या है जहां पे ये नहीं एडजुडिकेट करना मैंने अभी कि ये पैसा ड्यू है कि नहीं इन सब चीजों में कागज ही दिखा रहा है कि ये पैसा ड्यू है सो प्लीज रिमेंबर द इंस्ट्रूमेंट इन देंड ऑफ द प्लेटिव इट सेल्फ इज इनफ टू प्रूव के इतना पैसा ड्यू है डेट निकल चुकी है और डिफेंडेंट पैसे नहीं दे रहा है तो ये सारे कट एंड्राइड है प्लीज रिमेबर जहां हमने एडिकेट करना है कि इतना पैसा बनता है वो नहीं आएगा क्योंकि वो तो फिर सूट में जाएगा तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं है तभी हमने कहा डेट है या लिक्विफाइड मनी के अंदर डिमांड है इसकी

If it is still to be adjudicated, then naturally it can't come under a summary suit. That is why all these languages very clearly show that these are all matters which are already cut and dried and need not go for any further adjudication as far as the quantum of money is concerned. I hope I'm clear on sub rule two. Iskuper, you know, I would also like to give up one aspect. इसका जो कमेंट्स में सिकॉम लिमिटेड है उसके अंदर इन अ समरी सूट द प्लेंटिफ इज एंटाइटल्ड एट एनी टाइम टू अबैंडन और गिव अप अ पार्ट ऑफ द क्लेम यूनिलैटरली एक पावर इसके पास है प्लेंटिफ वैसे भी डोमिनेंस लिटर्स होता है अगर प्लेंटिफ चाहे कभी भी तो अपना पूरा या कोई पार्ट ऑफ द क्लेम कभी भी यूनिलैटरली छोड़ सकता है ओके okay. ये तो था इसका कौन से कोर्ट्स कौन सा सब्जेक्ट मैटर अब तीसरा पार्ट हम आते हैं उसके प्रोसीजर पे प्रोसीजर क्या है प्रोसीजर को हम चार स्टेप्स में डिवाइड करेंगे स्टेप वन स्टेप टू स्टेप थ्री स्टेप फोर ये जो हमारे रूल्स लिखे गए हैं ये इनि प्रोसीजर स्टेप वन स्टेप टू तो, स्टेप थ्री स्टेप फोर की तरह लिखे गए हैं लेट्स गो टू स्टेप वन रूल टू सूट टू विच दिस ऑर्डर अप्लाइस मे इफ द प्लेन डिजायर टू प्रोसीड हेयर अंडर बी इंस्टीट्यूटेड बाय प्रेजेंटिंग अ प्लेन व्हिच शैल कंटेन दीज थ्री थिंग्स क्वेश्चन प्रिलिम्स का है। हाउ डू समरी सूट स्टार्ट? देन एप्लीकेशन विद अ प्लाइंट, विद अ पेटिशन, इट स्टार्ट्स विद अ प्लाइंट। सो एक चीज क्लियर रखनी है। ये प्रिलिम्स का क्वेश्चन है। अ समरी सूट सूट आल्सो स्टार्ट्स विद अ प्लाइंट। उस प्लाइंट में क्या-क्या चीजें होंगी? ए स्पेसिफिक एवर्मेंट टू द इफेक्ट दैट द सूट इज फाइल्ड अंडर दिस ऑर्डर एक स्पेसिफिक अवर्मेंट होगा कि ये समरी सूट है बी दो रिलीफ विच डज नॉट फॉल विद इन द एम्बिट ऑफ दिस रूल हैज बीन क्लेम्ड इन द प्लेट सब्जेक्ट मैटर वो ही है जो समरी सूट में अलाउड है इसके अलावा हम और कोई भी रिलीफ नहीं मांग रहे ये दूसरी चीज तीसरी द फॉलोइंग बिलो द नंबर ऑफ द सूट इन द टाइटल ऑफ द सूट नेमली अंडर ऑर्डर थर्टी सेवन ऑफ सीपीसी नाइनटीन जीरो एट तो एक जो टाइटल है उसके अंदर ऑर्डर थर्टी सेवन मेंशन करना जरूरी है तो टाइटल ऑफ द सूट में इट इज बीइंग नाउ टेकन अप अंडर ऑर्डर 37 सीपीसी तो पहला स्टेप क्या हो गया प्लेंटिफ़ ने प्लेन इंस्टीट्यूट की प्लेट इंस्टीट्यूट की स्पेसिफिक मेंशन है उसमें कि यह मेरा सूट समरी सूट है सब रूल टू द समन्स ऑफ द सूट शैल बी इन फॉर्म नंबर फोर ऑफ अपेंडिक्स बी और इन सच फॉर्म एज में फ्रॉम टाइम टू टाइम बी प्रेस्क्राइब प्रेस्क्राइब किससे होता है हाईकोर्ट रूल से तो फॉर्म नंबर चार जब हम देखते हैं अपेंडिक्स बी में वेन आई गो टू अपेंडिक्स बी फॉर्म नंबर चार वेयर हेज स्वेंटीट्यूटेड सूट अगेंस्ट यू Under Order 37 of the Code of CPC, for rupees so and so and interest. You are hereby summoned to cause an appearance. To cause an appearance to be entered by for you within ten days from the service thereof. In default, whereof the plaintiff shall be entitled to obtain a decree for the said sum. So, abseeda ek pehla jo. समन जाएगा समरी सूट में डिफेंडेंट को दो बार दो तरह के समन जाते हैं पहला समन जाता है समन फॉर दूसरा समन जाता है समन फॉर जजमेंट ये क्या है भाई हम देखते हैं तो पहला हमने क्या हुआ अभी जो हमने फॉर्म पढ़ा उसमें क्या लिखा है कि आपके खिलाफ ऑर्डर थर्टी सेवन ने प्लेटिव ने इतने पैसे के लिए इतने इंटरेस्ट के लिए आपके खिलाफ डाला है आप दस दिन के अंदर अंदर अपना अपेयरेंस डालो क्यों अगर डिफेंडेंट को पता है ये तो मैंने देना ही है तो वो अगर अपेयरेंस नहीं डालता तो इसका मतलब है वो एडमिट कर रहा है इंप्लाइड एडमिशन है कि जो आप कह रहे हो सही है और अगर वो एडमिट कर रहा है और वो चुप रहता है तो ऑटोमेटिकली कोर्ट अब क्या करेगी सीधा समरी सीधा डिक्री पास कर देगी सो नाउ दे प्लेंटिव फेवर खत्म तो पहला स्टेप समन जाएगा समन जाएगा डिफेंडेंट को अलोंग प्लेंट की कॉपी के दस दिन के अंदर अंदर अपना अपेयरेंस डालो अगर आप नहीं डालते तो सीधा जजमेंट एंड डिक्री प्लेटिव के फेवर में हम इशू कर रहे हैं सब रूल थ्री द डिफेंडेंट शैल नॉट डिफेंड द सूट रेफर टू इन सब रूल वन अनलेस ही एंटर्स एन अपेरेंस तो स्टेप नंबर वन ही मस्ट एंटर एन अपेरेंस तो पहला स्टेप क्या था उसने प्लेन इंस्टीट्यूट की एक प्लेन इंस्टीट्यूट की अंडर समरी प्रोसीजर। दूसरा समन भेजा गया डिफेंडेंट को अपेंडिक्स बी के फॉर्म नंबर चार में कि तुम अपनी अपेरेंस डालो द डिफेंडेंट शैल नॉट डिफेंड अगर वो अपनी अपेरेंस नहीं डालता है, बाद में वो फिर डिफेंड नहीं कर सकता

Shall be entitled to a decree for any sum not exceeding the sum mentioned in the summons, together with the interest at the rate specified, if any, up to the date of the decree, and such sum for costs as may be determined by the High Court from time to time by rules made in this behalf, and such decree may be executed forthwith. इस सब रूल में क्या क्या चीजें आ गई डिफेंडेंट को दे विल बी विल बी सेंट द कॉपी ऑफ द कि तुम अपना डालो वो अगर पेरेंट्स डाल देता है गुड फिर तो नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे अगर वो अपना पेरेंट्स नहीं डालता देन इट विल बी डीम्ड कि वो एडमिट कर रहा है और अगर एडमिट कर रहा है तो अब सीधा डिक्री उसके खिलाफ पास हो जाएगी नॉट ओनली डिक्री पास हो जाएगी वो इमीजिएटली एग्जीक्यूट भी हो जाएगी एग्जीक्यूशन के ऑर्डर सीधा इश्यू हो जाएंगे डिक्री में क्या क्या आएगा जितना सम प्लिनिफ ने मांगा है वो प्लस जितना इंटरेस्ट होता है डिक्री आने तक वो और जो कॉस्ट है अब पॉइंट याद है कि डिफेंडेंट तो आया नहीं प्लेंटिव ने भी एक बार बस प्लेन डाला है सताइस में दैट से सैंतीस में बस और तो कुछ किया नहीं है तो ऐसे मामलों में कॉस्ट क्या होगा तो इसीलिए लिखा है यहां पे कि कॉस्ट हेयर विल बी डिटर्मिंड बाय द हाई कोर्ट तो अपने रूल्स में हाई कोर्ट कॉस्ट डिटरमिन कर देगा और उसके मुताबिक ही नाउ द मनी विल बी एडेड एज कॉस्ट तो डिक्री के अंदर क्या क्या आएगा इसमें <coughs> जो सम मांग रहा था वो या जो इंटरेस्ट भी पहले मांग रहा था उसके बाद डिक्री तक का इंटरेस्ट जिस दिन से उसने प्लेट डाली है और तीसरा कॉस्ट जो अब हाई कोर्ट डिटरमिन करेगा कि समरी प्रोसीजर्स में ये ये कॉस्ट होनी चाहिए रूल थ्री अब ये जो था हमारा ये था स्टेप टू कि डिफेंडेंट ने अपनी अपना पेरेंट्स डालना है नहीं डालता तो उसके उसके खिलाफ डिक्री पास हो जाएगी नाउ व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ स्टेप वन एंड टू जो अभी हमने स्टेप वन एंड टू पढ़ा है उसका प्रोसीजर क्या है वो है रूल थ्री इन अ सूट टू अच दिस ऑर्डर अप्लाइज द प्लेंटिफ शैल टुगेदर विद द समन्स अंडर रूल टू सर्व ऑन द डिफेंडेंट अ कॉपी ऑफ द प्लेट तो समन के साथ साथ क्या जाएगा कॉपी ऑफ द प्लेट एंड अ देयर टू कोई बाई चांस अ नेक्स्टर लगाए वो भी जाएंगे एंड द डिफेंडेंट मे एट एनी टाइम विद इन टेन डेज ऑफ सच सर्विस एंटर एन अपेरेंस आइदर इन पर्सन और बाय प्लीडर एंड इन आइदर केस ही शेल फाइल इन कोर्ट एंड एड्रेस फॉर सर्विस ऑफ नोटिस On him. तो अब तो पहला point तो ये है कि copy of the plaint जाएगी साथ साथ notice के जो हमारे appendix B का form four का notice है उसके साथ plaint की copy जाएगी और अब और सारे जो भी कागज हैं वो सारे उसकी copy जाएगी और अब अगर defendant चाहे तो 10 दिन के अंदर अंदर जब उसको service हो गया है ये summons और plaint की copy मिल गई उसके 10 दिन के अंदर अंदर ही विल खुद या अपने प्लीडर के थ्रू ही विल एंटर एन अपेरेंस अपेरेंस करेगा कोर्ट में और एक एड्रेस फाइल करेगा कोर्ट में कि जी मेरे को सारे के सारे नोटिस मिल गए हैं ये मैं मानता हूं और मैं अब आना चाहता हूं ना क्योंकि ये समरी प्रोसीजर है तो इसीलिए इवन अगर समन्स उसके घर पे हम छोड़े

एज गुड सर्विस उसका रीजन यह है कि यह समरी प्रोसीजर है डे ऑफ एंटरिंग नोटिस ऑफ सच अल बी गिवन बाई द डिफेंडेंट टू द्लेंटिव प्लीडर अब जब डिफेंडेंट आ गया तो क्या करेगा वो जब आ रहा है तो अब प्लेटिव के प्लीडर को नोटिस देगा कि सर मैं आ गया

जो प्लेंटिव के एड्रेस पे अगर वो खुद आ रहा है और अगर प्लेंटिव का प्लीडर है तो उसके यहां पे हम भिजवा देंगे अब आता है स्टेप नंबर थ्री सब रूल फोर इफ द डिफेंडेंट अपेयरेंस डिफेंडेंट कहता है नहीं जी मैं नहीं मानता मैं तो आ गया हूं मैं इस चीज को आई एम गोइंग टू नेचुरली आई एम गोइंग टू नाउ चैलेंज दिस So now, if the defendant appears, enters an appearance, the plaintiff, plaintiff shall thereafter serve on the defendant a summons for judgment in form number char A in appendix B. अब अगर defendant आ गया, पहला step था उसने appearance कर दिया. जब appearance हो गया और उसने notice दे दिया plaintiff को कि जी मैं तो appear हो गया. अब plaintiff उसको दूसरा summons भेजेगा. दूसरा समन क्या भेजेगा जो हमारा फॉर्म नंबर फोर ए है अपेंडिक्स बी का अगला ही फॉर्म है उसमें वो कहेगा दैट नाउ आई एम सेंडिंग यू अ समन फॉर जजमेंट क्यों ना आपके खिलाफ आप आगे गुड इनफ थैंक यू बट अब क्यों ना आपके खिलाफ हम सीधा जजमेंट पास करते हैं। मामला बिल्कुल क्लियर है तो व्हाई शुड बी नॉट पास अ जजमेंट डू यू हैव एनीथिंग टू से ऑन दिस तो यही चीज आती है इसमें स्टेप नंबर थ्री इफ द डिफेंडेंट एंटर सर्व ऑन द डिफेंडेंट फॉर जजमेंट इन फॉर्म नंबर फोर ए इन अपर सच अदर फॉर्म एज मे बी प्रिस्क्राइब फ्रॉम टाइम टू टाइम रिटर्नेबल नॉट लेस देन टेन डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस supported by an affidavit verifying the cause of action, the amount claimed, and stating that in his belief there is no defense to the suit. Is summon ke saath kya cheez jayegi? Ek affidavit jayega. Ek affidavit aayega. तो जब समन फॉर जजमेंट डालता है plaintiff, तो फिर तीन चीजों का affidavit भी डालेगा पहला ये cause of action है दूसरा इतना क्लेम है मेरा अमाउंट का और तीसरा कोई भी डिफेंस नहीं है ये तीन चीजों की वेरिफिकेशन थ्रू एफिडेविट प्लेटिव डालेगा तो स्टेप नंबर थ्री समन फॉर जजमेंट पहले हमने डाला था समन फॉर अपेरेंट्स वो आ गया अगर आया नहीं तब तो बात ही खत्म तो, तो वहीं पास हो गया अब वो आ गया जहां वो आ गया वहां पे अब समन फॉर जजमेंट आ गया अब फिर बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ द डिफेंडेंट अब डिफेंडेंट कहेगा sir, नहीं नहीं सर, मैं इस समन ऑफ़ फॉर जजमेंट को मानता। मुझे आप लीव दीजिए डिफेंड करने को मैं जजमेंट को इसको नहीं मानता हूं कि ये जजमेंट दे सीधा दीज आर नॉट प्रॉपर ग्राउंड्स। आई टू डिफेंड इसीलिए अब आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट लीव टू डिफेंड द डिफेंडेंट मे एट एनी टाइम विद इन टेन डेज अब जब उधर भी दस दिन था यहां भी दस दिन है सो विद इन टेन डेज फ्रॉम द सर्विस ऑफ सच समन्स फॉर जजमेंट बाय एफिडेविट और अदरवाइज डिस्क्लोजिंग सच फैक्ट्स एज मे बी डीम्ड सफिशियंट टू एंटाइटल टू डिफेंड अप्लाई

कंडीशनली और अपॉन सच टर्म्स एज अंपेयर टू द कोर्ट टू बी जस्ट सो अब जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया डिफेंडेंट ने अपना पेरेंट डाल दिया उसने उसको समन फॉर जजमेंट दे दिया कि क्यों ना तुम्हारे खिलाफ जजमेंट दे दिया जाए ये कॉज ऑफ एक्शन है ये क्लेम है और ये तुम्हारा कोई डिफेंस नहीं है मैं एफिडेविट देता हूं डिफेंडेंट अब अपना जवाब देता है एफिडेविट से वो भी जवाब देता है और कहता है मेरा कॉज ऑफ एक्शन आपका बनता ही नहीं है या ये अमाउंट नहीं है या मेरा है Details लिखता है लिखता कोर्ट अब उसको बहुत ध्यान से पढ़ता है जो हमने सीमा वाले केस में निभा कपूर वाले केस में वो सब देखा और अब कोर्ट डिसाइड करता है कि लीव देना है कि नहीं देना लीव अनकंडीशनल देना है कंडीशनल देना है कि उसे सिक्योरिटी रखवानी है प्रोवाइडेड दैट लीव टू डिफेंड शैल नॉट बी रिफ्यूज सैटिस्फाइड दैट द फैक्ट डिस्कलोज बाय द डिफेंडेंट डू नॉट इंडिकेट दैट ही हैज अ सब्सटेंशियल डिफेंस टू रेज और दैट द डिफेंस इंटेंडेड टू बी अप बाय द डिफेंडेंट इज फ्रिवलस कोर्ट इन नॉर्मल कंडीशन जो निभा कपूर ने भी हमें बताया नॉर्मल कंडीशन में अलाउ करेगा बिकॉज नेचुरल जस्टिस का तकाजा है कि रीजन वाई द प्रोवाइजो मेक्स इट क्लियर की कोर्ट तभी मना करेगा अगर उसको लगता है कि बिल्कुल ही कोई डिफेंस नहीं है

जहां पे डिफेंडेंट अमाउंट के ऊपर लड़ाई कर रहा है कहता है जी प्लेंटिव मेरे से मांग रहा है दस लाख रुपए मैं मानता हूं छह लाख रुपए देना है चार लाख एक्स्ट्रा मांग रही है तो अब क्या करेगा कोर्ट कहेगा ठीक है तुम छह लाख तो मान रहे हो ना तो पहले छह लाख रुपए जमा कराओ छह लाख जमा कराने के बाद चार लाख की लड़ाई चलती है तो पहले अगर आप छह लाख एडमिट कर रहे हो तो छह लाख तो जमा कराओ पहले बाकी चार लाख की आगे फिर अलाउ करते हैं आपको डिफेंड करो फिर तो जहां पे कोई भी अमाउंट डिफेंडेंट एडमिट कर लेता है वो पहले जमा कराना तब आगे बढ़ेगी गाड़ी सब रूल सिक्स रूल सिक्स इज स्टेप नंबर फोर एट अब समिंग शुरू हो गई इफ द डिफेंडेंट इज नॉट अप्लाइड फॉर लीव टू डिफेंड

सिक्योरिटी डालने का प्रावधान है जहां पे डिफेंडेंट को हमने डिफेंड करने का इजाजत दे दी चाहे पूरा या पार्टली जितना वो अगर पार्टली वो एडमिट कर चुका है बाकी पार्ट के लिए लड़ रहा है तो अब कोर्ट इसको एक और चीज भी कर सकती कि सिक्योरिटी जमा कराओ और इतने दिन के अंदर अंदर कराओ अगर वो सिक्योरिटी जमा करा देता है गुड चलता रहेगा अगर नहीं कराता तो देन सीधा जजमेंट या डिक्री फेवर में प्लेंटिफ के पास हो जाएगी सब रूल द कोर्ट और जज मे फॉर सफिशेंट कॉज शोन बाय द डिफेंडेंट एक्सक्यूज द डिले ऑफ द डिफेंडेंट इन एंटरिंग एन अ और इन अप्लाइंग फॉर लीव टू डिफेंड द सूट अब ये चीज हमें खास ख्याल रखनी है कि हमें नेचुरल जस्टिस कभी भी छोड़ना नहीं है अगर कोई जेन्युइन रीजन है कि डिफेंडेंट नहीं आ पाया नॉन अपेरेंस डिले आने में या लीव टू डिफेंड के लिए एक जनरल गोल्डन स्ट्रेन है सीपीसी में प्रोसीजरली अगर कोई नुकसान कोई गलत हो गया कुछ तो उसकी भरपाई सेम कोर्ट कर सकता है जहां प्रोसीजर्स के बेस पे हम आपको अलाउ नहीं कर रहे दस दिन का टाइम दिया आप नहीं आए यह चीज हमने देखी थी ऑर्डर नाइन में कि जहां पे डिसमिसल ऑफ सूट है एक्सपर्टे है दोनों तरफ की कार्रवाई दोनों तरफ की सुनवाई नहीं हुई तो कोर्ट को ही पावर थी कि अपना ही ऑर्डर रिसिंड कर दे या फिर वो सफिशियंट कॉज पे उनको अलाउ करते हैं सेम प्रिंसिपल यहां भी फॉलोड है कि जहां डिफेंडेंट कोई सफिशियंट कारण की वजह से नहीं आ पाया या कारण से लीव टू डिफेंड नहीं कर पाया ऐसे केस में अगर सफिशियंट कारण हो तो फिर उसको डिले वेव ऑफ करके उसको मौका दिया जा सकता है सब रूल सॉरी रू, रू, रूल फोर पावर टू सेटाइड डिक्री सेम प्रसिपल ऑर्डर नाइन में हमने पढ़ा था कि इवन एक्सपार्टेड डिग्री कैन बी सेटाइड बाई द सेम कोर्ट सेम चीज यहां है इंटरव्यू का है ध्यान रखना है आफ्टर डिक्री द कोर्ट में अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस सेटाइड द डिग्री एंड इफ नेसेसरी स्टे और सेट एक्सिक्यूशन

Even अगर डिक्री पास हो गई है और बाद में सफिशिएंट रीजन मिल जाता है तो कोर्ट अपनी ही डिक्री को रिसेंड कर देगा या एग्जीक्यूशन का अगर ऑर्डर हो गया है उसको रोक देगा क्यों अन्याय नहीं करना है एमियरली बिकॉज़ प्लेंटिव एक कोई ऑर्डर 37 में अपनी plaint लेके आ गया इसका मतलब ये थोड़ा ना कि वो बादशाह हो गया डिफेंडेंट भी तो उसके भी तो अपने लीगल राइट्स हैं तो कहीं अन्याय ना हो जाए कहीं लगे कि बाद में क्या अन्याय हो गया तो फिर उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं Procedure is always जो हमने सब रूल थ्री का और ये जो रूल हमने फोर पढ़ा है ये हमेशा याद रखना है ऑर्डर नाइन से को रिलेट करके पढ़ना है जैसे एक्सपर्टेड डिक्री में भी यही पावर्स थी यहाँ पे भी यही पावर्स हैं। एक चीज गोल्डन चीज याद रखनी है ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम हमेशा एक गोल्डन प्रिंसिपल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का मैंने आपको नीबा कपूर पढ़ के सुनाया जहां सुनवाई नहीं हुई वहां उसका पलड़ा भारी होता है अगर कोई सफिशिएंट रीजन कल को मिल जाए कि इस कारण से मैं नहीं आ पाया और वो जस्ट एंड रीजनेबल कारण हो तो फिर सेट असाइड हो जाएगा क्योंकि नेचुरल जस्टिस मेरा बेसिक ह्यूमन राइट है सब आ, रूल 5 पावर टू ऑर्डर Bill, etc., to be deposited with officer or court. In any proceeding under this order, the court may order the bill, hundi, or note to which the suit is founded to be forthwith deposited with any officer of the court and may further order that all proceedings shall be stayed until plaintiffs give security for the cause thereof. Plaintiff, kya kya liability है? पहला पॉइंट ये है कि जिन कागजों पे वो कह रहा है कि मेरा इतना पैसा बनता है ये चेक है ये हुंडी है ये प्रोमिसरी नोट है तो वो पहले जमा कराओ नेचुरली इसकी भी जिम्मेवार है कि वो पहले जमा कराए वो कागज जिसपे सारा शोर मच रहा है तो सारा वो पहले जमा कराए और अगर कोर्ट को लगे कि कल को डिफेंस उसका स्ट्रॉन्ग है तो प्लेंटिव को कह सकता है पहले कॉस्ट की सिक्योरिटी जमा कराओ ऑर्डर पच्चीस वाली जो है वो वो पहले आप वो भी जमा करो। तो की बेसिकली है कि जिस कागज पे वो इतना कुछ मांग रहा है वो कागज़ तो जमा वो पहले सिक्योरिटी जमा कराओ रूल सिक्स द होल्डर ऑफ एवरी बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट है सेम रेमेडीज फॉर द रिकवरी ऑफ द एक्सपेंसिस इनकर्ड

तो तो बैंक क्या करता है उसमें आपके कुछ माइन कुछ, कुछ लगाता सौ ढाई सौ जितना भी है हो सकता है बड़ा अगर चेक है तो ज्यादा पैसा कटाओ या कोई बिल ऑफ एक्सचेंज है उसमें ज्यादा पैसा कटता हो जो भी है तो जहां डिसऑनर होने में जो आपको चार्जेस लगे हैं वो चार्जेस भी आपके चार्जेस हैं यहाँ पे वो भी आप ऐड कर सकते हो वो भी आप लगा सकते हो तो जो आपका खर्चा आया डिसऑनर होने में वो भी आपके चार्जेस हैं और वो भी आप यहाँ क्लेम कर सकते हैं आई होप आई एम क्लियर ऑन रूल सिक्स एंड फाइनली वी हैव रूल सेवन रूल सेवन सेव एज प्रोवाइडेड बाय दिस ऑर्डर द प्रोसीजर इन सूट्स हियर इन अंडर शैल बी द सेम एज प्रोसीजर इन

उनको इसी तरह से करो ये आज के दिन में अपने मेंस में क्वेश्चंस आने वाले हैं ओके सो नाउ वी आर वी आर फिनिश द स्पेशल सूट्स हमने पहले देखा एक ऑर्डिनरी प्रोसीजर सूट का जो पहले बीस ऑर्डर में था बाईस तेईस चौबीस पच्चीस तक था हमारा जो ट्रायल के साथ साथ पैरेलल प्रोसीडिंग चल सकती है छब्बीस था हमारा इंसिडेंटल प्रोसीडिंग सत्ताईस से सैंतीस तक थे स्पेशल सूट मोर और लेस वी आर थ्रू अब हमारे दो टॉपिक बचे एग्जीक्यूशन एंड अपील्स अपील्स रिविजन रिव्यू

God bless.